जिस साइड हाथ डाल दो ना उससे विपरीत साइड में हो गया खेल खत्म। तो इस प्यार से जो है एक साइड में हाथ लगा लो, ठीक है, बिल्कुल प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। अगर जुगाड़ी करता है तो पशु एक बार जुगाड़ी करने जो अंदर वाला नाच है जो खत्म हो जाएगा उसके बाद देखिए। बड़ी अगर ये खूब अच्छी तैयार हो रही है तो इसका नाम बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एक आप लोगों से हेल्प चाहिए मेरे को। डेविड आई फोटो लेना, बढ़िया थंबनेल पे लग जाएगा। तो बिल्कुल आराम से और ज़्यादा अंदर नहीं जान देना है लड़की को, नाड़ बोलते हैं ज़्यादा अंदर नहीं, और थोड़ा भी हिला दो ऊपर ऊपर से। नमस्कार जी, राम राम, सत श्री अकाल। और आज से व्लॉग की शुरुआत करें जी। बहुत दिनों में व्लॉग बना रहे हैं, बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी, तो बहुत सारे भाई कहेंगे दीपक भाई उठते ही पशुओं में, तो भाई ऐसी बात है भाई, जन्म भी पशुओं में हुआ था और चल भी पशुओं के कारण ही रहे हैं, फेमस भी पशुओं के कारण ही है, और शायद अंतिम सांस से भी आगे 100-200 साल के हो गए यही लेंगे। तो अभी टाइम भाई लगभग 5 बज गए, 5 लगभग 5 पूरे बज गए, तो पशुओं के साथ हैं अब, इनको देखिए ठीक ठाक हैं और इनका थोड़ा बहुत काम करवाएंगे अभी सानी वानी का, अपना रमेश भी है साथ में वो भी कर लेगा, और फिर चलेंगे अपने एक बढ़िया सैर लगाने, बढ़िया रनिंग करने, क्योंकि वज़न थोड़ा ज़्यादा हो गया उसको भी कम करना है। और अभी रूटीन में वो लोग लेकर आएंगे भाई भाइयों के लिए, वो लोग में क्या दिखाएं क्या नहीं वो आप साथ में देखते रहना। और ये भी सही लगा वादी लाइट, इससे क्या है फेस पर बढ़िया पड़ता है, थोड़ा कलर बढ़िया आ जाता है, तो ये नहीं कहीं दीपक भाई का रंग दूसरा है। चलो अभी अपा रनिंग करने चलेंगे, और जो आज की दिनचर्या होगी सारी की सारी भाइयों को बता दी जाएगी क्या क्या करेंगे, तो वो लोग को जितने भाई देख रहे हैं फुल सपोर्ट कर दियो बढ़िया से बढ़िया, और ये अपने पूरी मच्छरदानी लग रही है बढ़िया। तो चलो जी चलते हैं, गुड मॉर्निंग सुपर बात सारे भैया ने, तो अपने बढ़िया ज़बरदस्त कमेंट कर दियो कैसा लगा और ज़बरदस्त सपोर्ट कर दियो, ठीक है जी, राम राम, चलो चलते हैं। तो लियो जी अपने प्रैक्टिस भाइयों है रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, तो सवेरे सवेरे प्रैक्टिस जरूरी हो है, और ये अपना सरकारी स्कूल है भाई, मतलब ज़बरदस्त है, इतनी हरियाली शायद कि प्राइवेट स्कूल में नहीं मिले, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा। वो सामने जिम है और उसके बगल में यानी कि उसके आगे एक ग्राउंड है पूरा फुल बड़ा, तो बढ़िया अपना सारा सिस्टम। उधर जो है इस बिल्डिंग से उस तरफ है, मतलब अपना जो कबड्डी मैट है कबड्डी और वो भी है, तो काफ़ी अच्छे हैं, गाँव की भी टीम काफ़ी अच्छी है, कबड्डी की भी रेसलिंग के भी ठीक बच्चे हैं, स्पोर्ट्स से अच्छा जुड़ा हुआ गांव है, लड़कियों ही खासकर हमारे गांव की टीम लगभग पूरे नेशनल में हर बार मेडल आते हैं, तो बढ़िया है सारा का सारा, ये देखो ज़बरदस्त है, फुल हरियाली, ये माता सरस्वती की है और हर स्कूल में होनी चाहिए। तो चलो जी आगे बने रहो लोगों, अभी आ गया घर पर प्रैक्टिस करके अपना रमेश भाई, रमेश राम राम तो कर दे सर, राम राम भाई, और रमेश भाई अपना भाई बहुत मान लिया घना इंडी आदमी है, घना इंडी। तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी है, पशु अपने यहीं बंद रहे हैं सारे। और हाँ सची मैं बता रहा था व्लॉग में, देखो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएंगी भाई, एक स्पेशल वीडियो में हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे, कोई बात नहीं। अभी दवाई दे रहे हैं पशुओं को, जिसको लीवर टॉनिक देनी है उसको लीवर टॉनिक देंगे, जो गाभिन पशु है उसके लिए मैं कोई प्रमोशन नहीं करा भाई, कोई कह देती भाई प्रमोशन करो। ये यूट्राजन के नाम से भाई साहब एक दवाई है, होम्योपैथिक है शायद, होम्योपैथिक है यूट्राजन के नाम से, और इसको देने से क्या होगा, जो मतलब पशु गाभिन है जो 7वें 8वें 9वें महीने में चल रहा है 10वें महीने में चल रहा है, उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और जो फूल दिखाना होता है कई और बीमारी हो जाती है पशु को उनसे भी दूर रहेगा, बच्चा गिरा देती हैं तो उनसे भी दूर रहेगा कहीं, तो ये आज दवाई देंगे उस ड्यूटी को अपने अर्जुन कुंवर की है। और यूँ ही भी इस भाई हानि से पहले अगर वो कहते हैं ना बीमारी से पहले इलाज होता है वो बढ़िया रहेगा, अपने संभल के रहा करो, संभल के पशुओं रखो तो कोई बीमारी भी नहीं आएगी। चलो उसको एक इसका सीधा सा प्रोसीजर है, अपना सिरंज में डाल ले, और ये 5 ml देनी होती है, 5 ml से लगभग 8 ml 5 ml दे सकते हो आप, और बहुत प्यारी झोटी, रमेश पकड़ी हो रही बार दिखा रहे भैया, नोट तो पकड़ ली बस, यहाँ पकड़ लिया, हाँ हाँ बस अब आपने मुँह दिखता रहा होगा। तो ये अपनी ड्यूटी है, इसको आराम से ओए
यू आ जाओ इसके, बस आराम से साइड में, जिस साइड हाथ डाल दो ना उससे विपरीत साइड में, हो गया खेल खत्म। तो इसी प्रकार ही अपने दवाई वगैरह देनी हो है। आगे अपनी गाय है वो हीट मारी है, उसको शाम में एआई करवाऊंगी, सहीवाल करो उसे, सहीवाल है। और बढ़िया गाय है, दूध भी बढ़िया दे रही है। और अभी एक दूध वाली चोटी है उसको लीवर टोनिक देना है। तो सारी चीज़ें दिखाएंगे भाई, क्यों है व्लॉग का मीनिंग ये भाई, छोटी छोटी जो बात करानी पशुओं का क्या टाइम, वीडियो नहीं डाल सकते व्लॉग में दिखा देंगे, इसे क्या होगा बढ़िया जाएगा, ऊपर मच्छरदानी है। हाँ इसको रख दे। और यहाँ अपना वो भाई वो कहते हैं ना, अभी साफ़ सफाई थोड़ी कम है, बाकी साफ़ सफाई मैं जल्दी करके दिखाऊंगा। और यहाँ अपना भिगोने दाने का सब कुछ है, मैंने आपको पहले भी दिखा था। ये ले चल, लिवर टोनिक निकाल दिया, चलो जल ले चल, चल जल छुट्टी दे देंगे, दे जल लिया एक नाल दे। और पीछे अपना वो सानी वगैरह वो सारा काटने कूटने का सारा सिस्टम है, चक्की वगैरह इन्हें इस नलके में डाल दी, ठीक है। और एक खास मेहमान दिखाऊं, अपने फार्म की पूरी शान है जो ये वाली, ये है जी, ये है तूफान कुंगड़ की बेटी है। और मतलब बुल भी यार देखो सारे फेवरेट हैं, लेकिन तूफान में अलग ही मजा आता है। तो तूफान की गड़ी है, बार बार मैं, मेरे ख्याल से शायद इसका जन्म हुआ था तभी से वीडियो लेकर आ रहा हूँ इसकी। और बड़ी होगी दूध बनाएगी तो दिखाते रहेंगे सारे की सारे। अच्छा इसका नाम सोच रहे हूँ भाई, नाम क्या रखूँगा, नाम बताओ आप लोग। बढ़िया गड़ी है, खूब अच्छी तैयार हो रही है, तो इसका नाम बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एक आप लोगों से हेल्प चाहिए मेरे को, देख बेटा ये फोटो ले लो बढ़िया, ये थंबनेल पे लग जाएगा। तो चलो एक बार थोड़ी बहुत दवाई बूटी दे दे और फिर आप आपसे बात करते हैं। चलो ना इतनी बहुत है। तो भाई अभी जो नाल बोलते हैं हरियाणा में नलकी बोल देते हैं, नाल नलकी बोलते हैं ज़्यादा तो। और अभी एक रोटी को देंगे, इसमें एक कुछ दवाई सरप्राइज है, बताऊंगा नहीं वीडियो में बताऊंगा। तो बता देना कमेंट में, अगर पूछना तो बता देंगे। ये दूध वाली रोटी अपनी, और इसको अभी देने का तरीका भी अच्छा है वो दिखा दूँगा आपको, दे दूँ एक बार तो पूरी बार में एक बार। तो पहले तो सबसे पहले थोड़ा प्यार से, थोड़ा सा प्यार से उसको भी खुश करो पशु को, जो नहीं है कैसे प्यार से जो है एक साइड में हाथ लगा लो, ठीक है, बिल्कुल प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। अगर जुगाली करता है तो पशु एक बार जुगाली करने दो, अंदर वाला अनाज है जो खत्म हो जाएगा उसके बाद दे दियो। तो भाई उस साइड से नहीं, तो इस साइड से एक साइड में हाथ डालो और दूसरी साइड से अपना क्या है ले 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 ले। बिल्कुल आराम से, और ज़्यादा अंदर नहीं जान देना लड़की को, नाल बोलते हैं ज़्यादा अंदर नहीं, और थोड़ा भी हिला दो ऊपर ऊपर से। ये हो लिया अपने पूरी, और नाल देने के बाद भी अपना थोड़ा, हाँ यहाँ पे जो गुद्दी होती है ना पशु की, देखो यहाँ पे नीचे दिखाइए वह, यहाँ गुद्दी होती है, यहाँ थोड़ी एक दो थपकी लगा दो, इससे क्या होगा जो घास वगैरह जाती है ना वो नहीं जाएगी। ये भाई करते तो इसको ये हो गया, लीवर टोनिक देंगे आप दोपहर सी को दे दें एक दो बजे, वरना कल दे देंगे, हफ्ते में दो तीन दिन में एक बार दे देते हैं। और अभी शायद ये देखो थोड़े जो मैला सा है वो डालने लगी, तो यानी कि अभी ईट में आने वाली वो फुहारा मार दे भाई, ये फुहारा लगा दिया था उसका। और ये भाई टोपी क्योर का क्या फंडा होता है अगर कोई थन में दिक्कत हो, मतलब कई बार बच्चा क्या था दांत से काट देता है अगर बोलिश नहीं होगा। ये देखो फारिक सारा का, अभी आप लिया तैयार, क्योंकि पसीने के पसीने कपड़े और एक सवेरे पहने थे प्रैक्टिस पे भी ये थे, अभी हो लिया तैयार, और तैयार होकर फिर चलाएंगे सार, आगे जानकारी बाद में देवाएं, तो बने रहो फिलहाल तो जाओ तैयार। तो जी अभी घर से निकल चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया और लगभग अपने कुंगड़ गाँव से अभी बाहर निकले हैं, अभी जा रहे हैं सार भाई साहब बताना चाहूँगा आपको, और अपने साथ है सती, राम राम भाई तो अपना पार्टनर है भाई, और बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, क्लासमेट है, और हम साथ ही काम करते हैं दोनों अपने चैनल पे। तो आज ही सार जा रहे हैं भाई, और मजा आएगा व्लॉग में, सटी व्लॉग ठीक बन जाएंगे अपने, हम बढ़िया बनेंगे भाई, बढ़िया कोशिश करेंगे हम तो। हाँ हाँ
बढ़िया कोशिश करा है भाई शक्ति और मैं दोनों के दोनों हो सके अभी और अच्छी डिटेल थे इसका अपने वो लोग में। तो अभी सार जाएंगे आगे का जो प्रोसीजर रहेगा वो बताएंगे। अच्छा जो भी वो लोग में छोटी मोटी कमी होती है वो बता दिया कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर चीज सीखने ऐसे आती है। वो एक इंग्लिश में कहावत तो थी, क्या थी, हाँ प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, जी जी याद है मेरे को, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, यानी कि जो अभ्यास है वो बार बार करने से ही जो मनुष्य है वो परफेक्ट होता है उस काम में। और ये बैच अपना ऐसा है जी, अभी कुंगड़ गांव के बाद बैणी गांव आएगा, ये बैणी गांव आ गया। ओके और बैणी गांव मतलब स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा, आपने सुना होगा नवीन कोहित प्रो कबड्डी स्टार, बहुत महंगा खिलाड़ी भी क्या था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और मोहित गोयत है वो भी इसी गांव से है, और जो मुन्नू गोयत था 1.5 करोड़ लगभग पिछले ऑक्शन में उसकी कीमत लगी थी, तो वो अपने गांव से था जी। कुंगड़ बैणी एक साथ ही है, एक हिस्सा ही है कुंगड़ का बैणी गांव भी, और इसमें भी काफ़ी अच्छा पशुधन है। उसके बाद आ जाता है सोरखी, सोरखी में आपने नाम एक अच्छा नाम है जयसिंह सोरखी, हाँ नवीन गाँव भी बड़ा है, आपको दिखाऊंगा भाई नवीन का जो घर है, नवीन कबड्डी का जो घर है ये है आगे वाला, आगे मैं दिखाऊंगा, ये तो नहीं है जो आगे वो दिख रहा है जी, जो आपने ऊपर जो हरे रंग की टंकी धरी है कोठी टाइप थोड़ा, वो नवीन का घर है, ऑन रोड ही है, कभी मिलाएंगे भाई से, अभी तो प्रो कबड्डी चल रही है ना, अभी तो आया नहीं है लेकिन मिलाएंगे जल्दी, अच्छा बन बढ़िया प्लेयर है और नेचर का भी अच्छा है। और इसके बाद अच्छा सोरखी भाई, जयसिंह सोरखी नाम सुना होगा अपना, तो अपना बेल्ट ऐसा है उधर सिंह वो आ जाती है, ईश्वर सिंह जी है नंबरदार हैं, बहुत सारे भाई विशेष सम्मान के होके सारे के सारे पशुपालक हैं, और भाई अलग अलग हैं, मतलब मेन बात ही है हमारा एरिया है ब्रीडरों का भाई, पशुपालन अच्छा, आम किसान के घर पे भी 16-17 वाली मिल जाएगी आराम से, क्योंकि इससे नीचे तो रखना पसंद नहीं करते, बेइज्जती मानते हैं भाई, खानदान की बेइज्जती है, तो अगर हमने 12-13 किलो वाली रख ली तो वही बात है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आगे चलते हैं और जो भी जानकारी हो भाई देते रहेंगे साथ के साथ, तो चलिए चलते हैं। फैक्ट्री है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके भी, आप भाइयों को साथ समझा करो वो भी वीडियो में ही, तो आ जाओ दिखाएंगे आज। पुनीत है, पुनीत रहे वो कभी अपना मार के काम हो गया भाई, पुनीत को साड़ी दिलवाई थी वो दी दिलवा इसमें पुनीत की, और आगे चलो चलेंगे राम चाट मंडार बगे का हुआ रोल खाओ पीछे देखो भाई, वो राम चाट मंडार इस बार का सबसे फेमस है नहीं पुनीत, हाँ भाई वही राम चाट भंडार है थोड़ा दीपक भाई। तो अभी भाई जो चटपटा सिस्टम है नहीं वो खाना तो नीचे है, बाकी ये ऐसी ऐसी जो यारी दोस्तों ने ये मना नहीं कर सकते हैं, तो राम चाट भंडार भाई सारे की सबसे फेमस जगह है, अपना शक्ति डोम साथ में है, और ये है वो छोले समोसे तो 3 प्लेट तेरी है, कुकर है
ਮੈਂ ਖਾਲਸੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਖਾਦੇ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਿਊਟ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਭੀ ਲਵਾਂ ਛੋਲੇ ਸਮੋਸੇ ਬਾਕੀ ਬੜੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਖੋ तो जी घर पे भी आ लिए थे और चेंज भी कर लिया। अभी टाइम हो गया लगभग 7:30 बज गए हैं और 7:30 बज गए तो खाने पीने का टाइम हो गया। पहले तो खावा पीवांगे और फिर रेस्ट कराएं। बाकी बीच में एक दो काम और करे थे, फिर व्लॉग बनाना याद नहीं रहा क्योंकि नया व्लॉग है तो ज़्यादा पता नहीं था भूल गया था, लेकिन रूटीन में बनाएंगे तो ठीक भी हो जाएगा। तो बताना आज का व्लॉग कैसा लगा सभी भाइयों को। अभी खाना खा के रेस्ट करेंगे, सुबह फिर वही टाइमिंग 5 बजे उठना है, ठीक है। तो सारे भैया तो उम्मीद है कमेंट ज़रूर कर दियो भाई, क्या कमी लगी कमी बता दियो, अच्छी क्या बात लगी वो बता दियो, बनाए ना बनाए वो बता दियो, सारा कुछ बता दियो, ठीक है। तो बताइए ज़रूर, ठीक है। ठीक है जी, राम राम, जय हरियाणा, जय मुर्रा और जय गोवंश भाई। सारे भैया राम राम। युवा साथियों से एक ही गुजारिश है, पशुपालन से अंदर आ जाओ, नशे पते से दूर हो जाओ, ठीक है। ठीक है जी, राम राम सारे दीपक सिया की ओर से।